अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर से दमा में ऑफिस लग गई हैं पांडा, लुलू, नेस्टो और तमीमी में, तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इन्फॉर्म करूं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छे रेट्स में इजीली अवेलेबल है। तो अगर आपको जो है फ्रूट्स एंड वेजेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो फ्रूट्स एंड वेजेस अगर आपको चाहिए तो मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो आपको हर जगह मिल रहा है। पांडा में या लुलू में बहुत वैरायटी लगी हुई है मैंगो की, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको एप्पल चाहिए तो वो 6.95 के तवीमी में है और पांडा में 5 रियाल का है। इसी तरह से ऑरेंजेस मैंडारिन 5 रियाल के आपको पांडा में मिल जाएंगे, और अगर आपको बनाना खाना है तो बनाना लुलू से भी मिल सकता है। इसी तरह से पेयर जो है वो 6.95 में ईजिली अवेलेबल है और 3.75 के लुलू में लगे हुए हैं, तो लुलू में बहुत अच्छे प्राइस में लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर आपको मैंगो चाहिए तो मैंगो मैंने आपको वैसे बता दिया कि मैंगो बहुत ज़्यादा समर्स हैं, तो मैंगो हर जगह लगा हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे रेट में डिफरेंट वराइटीज़ के लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर आपको कैरेट चाहिए तो वो भी आपको पांडा में और नेस्टो में मिल जाएगी। आपको अगर बोटल गॉर्ड चाहिए या कैबेज चाहिए तो वो भी आपको तमीमी और नेस्टो में मिल जाएगा। जो है लेडी फिंगर भी लगी हुई है अगर लुलू में है, या बीन्स खाने हैं आप सऊदी बीन्स, तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगी उसमें लुलू में। और जो ऑयल है वो आफिया सनफ्लावर ऑयल लगा हुआ है 49.95 का, जिसमें 2 1.5 लीटर के हैं और 500 ml है, वो नेस्टो में लगा हुआ है। और अगर 2.9 लीटर चाहिए तो वो आपको नेस्टो में और लुलू दोनों में मिल जाएंगे 44 रियाल के। अच्छा, लुलू में नखलतैन वेजिटेबल भी लगा हुआ है 15.95 का, 1.5 लीटर का एक लगा हुआ है, और सनफ्लावर भी लगा हुआ है 36.95 के 1.5 लीटर के दो, तो वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते। अब अगर हम शुगर या राइस या फ्लोर की बात करें तो शुगर जो है वो अलोसरा लगी हुई है 12 kg 27 रियाल की पांडा में, और अलवफा लगी हुई है 29 रियाल की नेस्टो में। इसी तरह से राइस की बहुत वैरायटीज़ लगी हुई हैं। अगर आप पांडा में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अलायला भी मिल जाएगा, ताजमहल मिलेगा, अलवलीमा मिलेगा, अलशालान मिलेगा, ग्रीन फार्म मिलेगा, टिल्डा मिलेगा। डिपेंड करता है इसकी प्राइस पे डिपेंड करता है कि कितने किलो का है और कौन सा राइस है, सैला बासमती है, पंजाबी वाइट राइस है, मगर इनकी प्राइस अच्छी है। इसी तरह से अगर आप जो है नेस्टो जा रहे हैं तो नेस्टो में आपको बाबुल सैला मिलेगा और ताज हलन मिलेगा। ताज हलन 5 kg जो है 33 रियाल का है, और इसी का 10 kg लुलू में लगा हुआ है 63 रियाल का, जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस है, मतलब इससे अच्छी प्राइस में नहीं मिलेगा आपको, ये अच्छा चावल है। और अगर आप तमीमी में हैं तो तमीमी में आपको जो है अलायला भी मिल जाएगा, अलायला वहाँ पे 5 kg भी लगा हुआ है और 10 kg भी लगा हुआ है। ताजमहल लगा हुआ है 79 रियाल का, अलवलीमा 65 का लगा हुआ है। इसी तरह से बुकास जो है बासमती है और वाइट राइस दोनों लगे हुए हैं जो आपको चाहिए, अलशालान लगा हुआ है और पंजाब अलमुहद्दिब भी लगा हुआ है। तो वैरायटी लगी हुई है राइस की हर जगह पे, तो आपको जहाँ पे भी आप जा रहे हैं तो वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मिस्टर शेफ़ चक्की फ्रेश आटा सिर्फ नेस्टो में लगा हुआ है 18 रियाल का। ये आटा अच्छा होता है, रोटी बहुत अच्छी होती है, नरम होती है, मुलायम होती है और आराम से खाई जाती है। अगर हम डेयरी की बात करते हैं तो सऊदी मिल्क लो फैट फुल फैट दोनों के दोनों जो है वो 60 रियाल के लगे हुए हैं पांडा में। नादा का जो है 12 लीटर लगा हुआ है 44 रियाल का नेस्टो में। और अगर आपको एंकर डेली पाउडर मिल चाहिए या अलवफा चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, एंकर जो है वो 53 रियाल का नेस्टो में मिल जाएगा, और इसी तरह से 60 रियाल का लुलू मिल जाएगा। नीडो मिल्क पाउडर 49 रियाल का मिलेगा तमीमी में। अलमराई लो फैट एवोपरेटेड मिल्क भी आपको पांडा से मिल जाएगा 4 पीस 9 रियाल के, ये 4 पीस 9 रियाल के ही मिलते हैं, तो ये अच्छा है, आप आराम से ले सकते हैं। अब अगर हम फ्रोज़न आइटम की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ की वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, मिक्स वेजिटेबल्स, कॉर्न, बीन पीस। इसमें जो है जो सादिया की 900 ग्राम है पांडा में 15 रियाल की 2 पीस मिल जाएंगी। इसी तरह से 900 ग्राम की जो 400 ग्राम की हैं वो आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाएंगी, 10 रियाल की 10.5 रियाल की पांडा में आपको आराम से मिल रही हैं। दारी की तो 10 रियाल में आपको 3 मिल रही हैं, तो पांडा ही से मिल रही हैं ये। अगर आपको नेस्टो में आप जा रहे हैं तो आपको दारी की भी मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको अमेरिकाना भी मिल जाएगी। और अगर आप तमीमी में हैं तो वहाँ पे आपको सादिया की मिल जाएंगी, और लुलू में भी हैं तब भी आपको सादिया की मिल जाएंगी, तो ये आपको आराम से ईजिली अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी ये कहीं से भी आप कहीं जा रहे हो। अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए, बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, हर घर में फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए होता है, तो इसकी भी अच्छी वैरायटी लगी हुई है। चाहे अगर आप जो है पांडा में हैं तो पांडा में आपको लेमवेस्टन मिल जाएगी 18 रियाल की। इस लेमवेस्टन में भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, अगर वो चाहिए होंगी ट्विस्टर हो या वेजी हो तो उनकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ी हुई है, वरना तो है लेमवेस्टन आपको तमीमी में भी मिल जाएगी और लुलू में भी मिल जाएगी।
और अगर आपको नगेट्स खाने हैं, नगेट्स हर घर में चाहिए होते हैं, तो नगेट्स में जो है वो 10 रियाल 11 रियाल में आपको जो 400 ग्राम होते हैं वो आपको नगेट्स मिल जाएंगे। और अगर आप डिपेंड करते हैं कि दूसरे लेने हैं जैसे नगेट पॉपकॉर्न 750 ग्राम है, तो वो आपको तमीमी से 22 रियाल के मिलेंगे, वही 22 रियाल के लुलू में मिलेंगे। अगर आपको अमेरिकाना की चिकन स्ट्रिप्स चाहिए तो 750 ग्राम आपको 30 रियाल की तमीमी में मिल जाएंगी, 31 की लुलू में, 33 की नेस्टो में। तो ये सेम ही है, मतलब इनका वेरिएशन को इतना वो नहीं है, आप ले सकते हैं। इसी तरह से अलकबीर के चिकन नगेट्स हैं, अगर आपको 400 ग्राम चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो 11.95 10 11 12 इसी की रेंज में 400 ग्राम नगेट्स आपको मिलते हैं, वो मिल जाएंगे। अब अगर 1000 ग्राम वाले चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो वो आपको 27 रियाल के नेस्टो में मिल रहे हैं, 30 रियाल के आपको जो है वो तमीमी में मिल रहे हैं। और चिकन मसाब भी है, वो रॉयल चिकन मसाब जो है वो 750 ग्राम जो है वो जो है नेस्टो में 22 रियाल का है और 19 रियाल का तमीमी में है। अगर स्प्रेड्स की बात करते हैं तो स्प्रेड्स पर प्रोसेसिंग जार जो है वो अगर एक पीस है वो आप 24.95 का 910 ग्राम जो है वो आपको पांडा से मिल जाएगा, और अगर टू पीस चाहिए तो वो आपको नेस्टो में और वहाँ से मिल सकते हैं लुलू से। इसी तरह से फ्लेवर भी हैं, तो फ्लेवर वाले भी आपको अवेलेबल हैं पांडा में और तमीमी में। अगर आपको कोई डिफरेंट वैरायटी चाहिए, लवा चाहिए, यल साफ़ी, यल मराई है, नादक है, क्राफ्ट है, ये सब भी वैरायटीज़ हैं, तो इन सब की भी जो है वो रीज़नेबल रेंजेस में आपको पांडा में, तमीमी में, नसुलू में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके ईज़िली परचेज कर सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। न्यूटेला जो है वो नेस्टो में लगा हुआ है 26.95 का, और न्यूटेला हेज़लनट चाहिए तो वो आपको तमीमी से मिलेगा। इसी तरह से जो टोमेटो पेस्ट घर घर की ज़रूरत होती है, जल्दी खाना बन जाता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है, जल्दी से बन जाता है, प्यूरी बहुत अच्छी बन जाती है, कलर अच्छा आ जाता है जो है आपके उसका सालन का, तो वो अलराई है वो मिल रहा है नेस्टो में, अलबरेखा मिल रहा है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हैंस का टोमेटो कैचअप जो है 1 kg 16 रियाल का है पांडा में, और तमीमी में थोड़ा महंगा है, बट पांडा से आप इजीली परचेस कर लें। इसी तरह से हैंस मायोनीस है, नूर मायोनीस है, ये ज़्यादातर 10-11-12 रियाल की मिलती है, तो ये आपको इजीली अवेलेबल है, आप इसको नेस्टो से, तमीमी से या पांडा से परचेस कर सकते हैं, और लूलू से भी परचेस कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी। जो चीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो उसके प्राइसेस होते हैं। अगर आप एक जार ले रहे हैं तो उसके प्राइस कुछ होते हैं, 2 jars के ज़्यादा होंगे, 1 jar जो होता है वो आपको 14 रियाल 15 रियाल 18 रियाल तक आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, किसी भी जगह से आपको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि चीज़ तो हर घर की ज़रूरत होती है, बच्चे होते हैं तो बच्चे खाते हैं, हम उनको और दूसरी चीज़ों में स्प्रेड है या बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी उसको यूज़ कर लेते हैं, तो हर घर में ही चाहिए होता है, तो आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है और अच्छे रेट्स में है, दस्तियाब है, तो आप यहाँ से परचेज। अब जो डिटर्जेंट्स हैं उसकी बात है, डिटर्जेंट्स जो है पांडा में बहुत लगे हुए हैं, ओमो वॉशिंग पाउडर भी लगा हुआ है, एरियल भी लगा हुआ है, और बहुत अच्छे 2-2 पीस लगे हुए हैं, मतलब 5 kg नहीं तो 10 kg मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा वाइट भी लगा हुआ है, बोनस भी लगा हुआ है, तो पांडा में बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तमीमी में भी लगे हुए हैं, पर्सल भी लगा हुआ है, एरियल कंसनट्रेटेड भी लगा हुआ है 2.5 kg और 5 kg भी लगा हुआ है। इसी तरह से लुलू में भी लगा हुआ है, 7 kg लगा हुआ है पर्सल 42.5 का, एरियल डिटर्जेंट लगा हुआ 49 का, और अगर आपको टाइट चाहिए तो 2.2 2.25 से लेकर 20-21 रियाल का लगा हुआ है, तो इस तरह से ये लगे हुए हैं बहुत अच्छे, तो ये आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फेरी डिश वॉशिंग चाहिए तो वो 9.95 या 11 रियाल इसी में 800 ml मिल रहा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से लक्स डिश वॉशिंग भी लगा हुआ है, लक्स डिश वॉशिंग भी जो है 12 रियाल का है 1.25 लीटर, और अगर आप प्रिल की बात करें तो प्रिल 1500 ml 13 रियाल का लगा हुआ है, और प्रिल अच्छा भी है, तो ये आप यहाँ से परचेस कर, हर जगह लगा हुआ है तो आप इजीली परचेस कर सकते हैं। तो जो है ये मैंने आपको आज की अपडेट्स बताई हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके और टाइम पे मिल सके, और प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नई से नई वीडियो बनाऊँ और आपको बताती चलूँगी कि अपडेट्स हैं, क्या चीज़ कहाँ पे वेरिएशन आ रही है, कहाँ पे क्या चीज़ सस्ती लग रही है, तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।